घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। नमस्कार, आज ये जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं, इसमें आप ये जानेंगे, ये सीखेंगे कि कैसे आप संगीत प्रवाह वर्ल्ड के चैनल से संगीत सीख सकते हैं। यानी कि इतने सारे वीडियोस में से लगभग 2 से 2500 मेरे ख्याल से हम वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, उनमें से आपके काम के कौन से हैं और कौन से वीडियोस ऐसे हैं जिनसे आप घर बैठकर सीख सकते हैं। तो चैनल पर हम ज़रा आज सर्फ करेंगे कि कैसे आप चैनल को समझ सकते हैं, YouTube चैनल क्या होता है और YouTube पे कैसे सर्च करके आप हमें हमारे वीडियोस के थ्रू सीख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ प्लेलिस्ट को एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सी प्लेलिस्ट से आप सीख सकते हैं और कौन से वीडियोस से आप समझ सकते हैं कि कैसे संगीत प्रवाह वर्ल्ड से सीखा जा सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम कैसे सर्च करते हैं, सबसे पहले YouTube पर संगीत प्रवाह वर्ल्ड का चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है संगीत प्रवाह वर्ल्ड का YouTube चैनल। अब यहां तक आप कैसे पहुंचे, आप यहां पर सर्च कीजिए संगीत प्रवाह वर्ल्ड। जैसे ही आप YouTube के होम पेज पे जाएंगे और ये जो सर्च है यहां पर, अगर आप टाइप करते हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड, तो देख सकते हैं आप ऐसा एक आइकन आ रहा है और नीचे और भी कई सारे वीडियोस आ रहे हैं। तो हमको उसमें ना जाकर सबसे पहले यहाँ जाना है, संगीत प्रवाह वर्ल्ड का चैनल ओपन करना है। और ये तो क्योंकि मैं मेरी पर्सनल आईडी जो संगीत प्रवाह वर्ल्ड की, उससे खोल रहा हूँ, वरना अगर आप दूसरी किसी आईडी से खोलते हैं तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, है ना। जैसे कि मैं आपको करके बताता हूँ, यहाँ से मैं आईडी स्विच कर देता हूँ और दूसरे अकाउंट से, मेरे पर्सनल अकाउंट से मैं ये चैनल अगर खोलता हूँ, तो आपको नज़र आएगा कि आप अपने अकाउंट से अगर इस चैनल को खोलते हैं तो क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। ये आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ आपको दिखेगा। यहाँ पर ये जो कोरोना का गीत है वो प्ले होगा, है ना, नॉन सब्सक्राइबर्स के लिए, और सब्सक्राइबर्स के लिए भी यहाँ पर ऐसा ही रहेगा। नॉन सब्सक्राइबर्स के लिए ये डायरेक्ट प्ले हो जाएगा और सब्सक्राइबर्स के लिए सिर्फ आइकन आएगा इसका, यहाँ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ ज्वाइन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप हमारी किताब खरीद सकते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ 2000 मंथली के हिसाब से है, तो आप यहाँ अगर ज्वाइन करेंगे और पे करते हैं, ये संगीत प्रवाह वर्ल्ड की किताब है स्वरांगिनी का, उसका एडवर्टीजमेंट है ये, उसके बारे में बताया। यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं अकाउंट में पैसे भेजकर, और वरना आप व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट करके PDF ख़रीद सकते हैं। तो अब हम सीधा जाते हैं हमारे होम पेज को समझते हैं। पहले ये होम पेज होता है चैनल का, उसमें ये हमारा ट्रेलर है, ये समझ लीजिए चैनल ट्रेलर कहते हैं इसे। उसके बाद यहाँ आते हैं रेगुलर अपलोड्स। आप इन वीडियोस पर जाएंगे तो आपको डेली के जो अपलोड्स हैं वो देखने को मिलेंगे। फिर आप नीचे आते हैं तो पॉपुलर अपलोड्स है, ये हमारे टॉप वीडियोस हैं जिनके सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टॉप वीडियोस हैं, इस पर क्लिक करके पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ये डॉक्टर मंदाकिनी लहरी के कुछ टिप्स हैं संगीत की, जो आप वोकल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रियाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि स्वर पक्के कैसे करें, तो 12 स्वरों का रियाज है ये, गला कैसे तैयार करें, पेट से कैसे गाएं, ये कुछ टिप्स हैं। लेकिन हमें जो चीज़ें समझनी हैं वो कहाँ से शुरू होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये म्यूज़िक लर्निंग टिप्स कुछ मेरे द्वारा, कुछ दूसरे गुरुजनों द्वारा दी गई हैं, ये हारमोनियम की कुछ टिप्स हैं, ये हमारी प्लेलिस्ट है। इसको आप साइड में खोल लीजिए और ये रेगुलर जिसको सीखना है संगीत, वो एपिसोड वाइज वो इस प्लेलिस्ट से सीख सकता है। बाकी जो कहीं और सीख रहा है और सिर्फ टिप्स चाहिए, तो वो इन टिप्स को फॉलो कर सकता है, रियाज की इन टिप्स को फॉलो कर सकता है, है ना। उसके बाद ये राग लर्निंग लेसन्स है, ये राग की टिप्स हैं, अगर राग आपको सीखनी है तो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लय के लेसन्स हैं, जिनको भी आप साइड में एक बार खोल लीजिए। और ये आपके रियाज के लेसन्स हैं कि आपको रियाज कैसे शुरू करना है। अगर आप अडल्ट मेल हैं तो इसको ओपन कर लीजिए, और फीमेल हैं या छोटे बच्चे हैं तो इसको ओपन कर लीजिए। फिर हम एक एक करके समझते हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट है वोकल एंड हारमोनियम लर्निंग की। इसमें सबसे पहले मैंने बताया है कि क्या चीज़ सबसे पहले सीखनी चाहिए अगर आप सीरियसली संगीत सीखना चाहते हैं और एक पैटर्न वाइज, तो ये आपके लिए है। हमारी जो किताब है वो भी इसी बेसिस पर बनाई गई है, ये फर्स्ट लेसन है। उसके बाद ये जो वीडियो है जो आप देख रहे हैं, उसमें मैंने यही सारी चीज़ें समझाई है जो इस वीडियो में मैं समझा रहा हूँ, लेकिन ये पुराना है और पुरानी प्लेलिस्ट उसमें है, तो ये नया वीडियो है जिसमें आप नए तरीके से समझ पाएंगे।
ये आप देख सकते हैं कि पहले अलंकार सिखाया इसमें बिलावल में, फिर इसमें दूसरा अलंकार सिखाया, इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके 7 अलंकार हमने 7 एपिसोड में सिखाए हैं। और 8वें एपिसोड से हमने एक एक पेज अलंकार का, यानी स्वरांगिनी के पेजेस, ये जैसे सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, ऐसे करके 5 पेजेस तक हमने यहाँ सिखाया है। फिर आपको यहाँ हमने स्केल्स की नॉलेज दी है, ये 5वीं इकाली से, और इसमें सारे स्केल्स और सब थाट बताए हैं। और यहाँ आपको सब लयकारी जो है, तालों को कैसे करते हैं अलग अलग लयकारियों में, वो सिखाया है। तो ये मेरे ख्याल से ये जो 7 एपिसोड हैं, या ये जो 10 एपिसोड हैं, 12-15 जहाँ तक आपके अलंकार और थाट चल रहे हैं, ये और ये सारे एपिसोड ये साथ में आपको रियाज करने हैं। यहाँ से आप लय लयकारी को समझेंगे, इसको इसमें लय समझाइए कि होता क्या है, फिर इसमें आगे आगे स्टेप्स हैं, ऐसे करके आप यहाँ देख सकते हैं 8 लेसन्स हैं जिसमें कि 6 गुण तक आपको समझाया गया है। अटगुण पहले ही बता दी जा चुकी है, यहाँ पे ठा, दुगुण, चौगुण, अटगुण, तिगुण और 6 गुण ये समझाई जा चुकी है। तो ये सारी आपके अटगुणे तक की सारी लयकारियाँ आ गई, इसमें 5 गुना 7 गुना नहीं है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एडवांस लेसन्स हैं। और ये आप जब कर लेंगे उसके बाद आप 16वें एपिसोड से राग, 17वें एपिसोड से आप देख सकते हैं राग बिलावल सिखाई गई है। तो एक एक करके एपिसोड फॉलो कीजिए, आगे की टिप्स जो हैं आपको अगले वीडियोस में अपने आप मिलती जाएंगी। ये आप देख सकते हैं हमने कितनी सारी रागें यहाँ तक सिखाई गई हैं, इसमें विलंबित ख्याल भी हैं, आगे सब कुछ है। फिर ये रियाज के वीडियोज़ हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे, इसमें रियाज की पहली टिप है, फिर इसमें दूसरी है, इसमें भी वही चीज़ें समझाई गई हैं। एक एक करके आप वीडियोज़ देखेंगे तो आपको समझ आता जाएगा, हमें बस ढूंढना है कि कौन से वीडियोज़ हमें देखने हैं। उसके बाद अगर आप इस प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको काफ़ी सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, हारमोनियम की झाला टेक्निक्स, ये उपजंग के ऊपर कुछ मैंने वीडियोस बताए हैं, ये मेरी गाई हुई कुछ गज़ल्स हैं, ये जॉन एलिया साहब की गज़लें, यानी गज़ल्स की एक अलग प्लेलिस्ट है, और उसके बाद कुछ फेमस शायरों की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे जॉन एलिया है, वसीम बरेलवी हैं, ये गज़ल्स के ऊपर है। ये तबला के लूप्स हैं जो आप रियाज कर सकते हैं, ये हमारी लाइव की प्लेलिस्ट है, ये कुछ फिल्मी नॉन फिल्मी गाने जो गीत हमने बनाए हैं वो हैं, फिर ये राग बेस्ड फिल्म सॉन्ग्स की ऊपर प्लेलिस्ट है, ये राग लर्निंग टिप्स है ना। तो मेन प्लेलिस्ट जो आपको फॉलो करनी है वो है एक तो ये, ये, ये और ये अपने स्केल अनुसार। उसके बाद आप देख सकते हैं अब जो भी आपको चीज सर्च करनी है आप यहां पर सर्च कर सकते हैं, जैसे कि गजल्स प्लेलिस्ट संगीत प्रवाह वर्ल्ड, तो आपके सामने अलग 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 ऐसे वीडियोज आते हैं, है ना। और यहां पर अगर आप फिल्टर में प्लेलिस्ट डाल देंगे तो डायरेक्ट आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, इसमें आप देख सकते हैं 169 वीडियोज हैं। ऐसे ही आप यहां टाइप कर दीजिए भजन्स प्लेलिस्ट, तो ये पूरी की पूरी संगीत प्रवाह वर्ल्ड की प्लेलिस्ट आ गई, ये माता के भजन आ गए। अब इसमें आप डिफरेंस भी कर सकते हैं, जैसे कि आप टाइप कर दीजिए कृष्ण भजन, तो ये कृष्ण भजन की पूरी प्लेलिस्ट आ गई। आप टाइप कर सकते हैं राम भजन, तो ये पूरी श्री राम भजन आपकी प्लेलिस्ट आ गई। ऐसे ही आप अलग अलग टॉपिक्स आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि नॉन फिल्मी सॉन्ग्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो वो नए जो गाने हमारे गीत बनाए हुए हैं वो आ जाएंगे, उनकी आपको प्लेलिस्ट निकालनी है तो आप प्लेलिस्ट पर क्लिक कर लीजिए, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए आप नॉन फिल्मी सॉन्ग्स, ऐसे करके आप हर टॉपिक सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कथक सीखना है, कथक लर्निंग प्लेलिस्ट टाइप कर दीजिए संगीत प्रवाह वर्ल्ड के साथ, ये आपके पूरे एपिसोड्स आ गए कथक के। आपको वॉयलिन सीखना है, आप वॉयलिन लर्निंग कर दीजिए, ये वॉयलिन लर्निंग की हो गई। आपको तबला सीखना है, आप तबला टाइप कर दीजिए, तबला लेसन्स आ गए, है ना। ऐसी करके आप कोई सा भी विषय जो है इस चैनल से सीख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे आप चैनल के वीडियोस को फॉलो करके हमारे लेसन से सीख सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं हमारा मैनपुरी म्यूजिक स्कूल दूसरा चैनल है, नरेंद्र कुमार ब्यावत हमारे जो दादा गुरु हैं उनका एक चैनल है, तो आप उनको भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ से भी सीखिए, है ना। मेरे ख्याल से अगर उन प्लेलिस्ट को आप फॉलो करते हैं जो अभी अभी मैंने आपको बताई, और साथ ही साथ ये जो टिप्स हैं, है ना, इसमें आपको हर प्रकार की टिप मिल जाती है कि आपको जो भी आपके सवाल आते हैं, बेसुरापन कैसे दूर करना है, गानों के नोटेशंस कैसे ढूंढने हैं, मोटी आवाज़ पतली कैसे करनी है, पतली आवाज़ मोटी कैसे करनी है, तानपुरा क्या होता है, हारमोनियम कैसे सीखा जाता है, संगीत कितने दिनों में बनते हैं, सांस कैसे बढ़ाते हैं, ये सारे आपके कुछ सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं, उन सब के जवाब इन सब में मिलते हैं आपको, है ना। अगर आपको कुछ थ्योरी क्वेश्चंस हैं तो म्यूज़िक लर्निंग थ्योरीज संगीत प्रवाह वर्ल्ड ये टाइप कर दीजिए, है ना, और इसमें वही प्लेलिस्ट लगा दीजिएगा ताकि अपने आप ही आपके सामने पूरी सही देगा।
जवाब मिलेगा। ये थ्योरीज ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है ना, ये पूरी प्लेलिस्ट है जो आपको अलग अलग थ्योरी समझाती है कि भाई काकू क्या होता है, काकू प्रयोग, ताल और रस क्या होता है, समय चक्र क्या होता है, संगीत में रागों के नियम क्या होते हैं, थाट क्या होता है, वादी संवादी क्या होता है, तो स्वरलिपि पद्धतियाँ क्या होती हैं, गायक नायक, ये सारे सवाल हैं ये आप कर सकते हैं, है ना। तो ये अलग अलग टॉपिक्स हैं जिन पर हमने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, जिनको आप सर्च कीजिए, देखिए, जानिए और सीखिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको हारमोनियम सीखना है या गाना सीखना है तो किन किन चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। हारमोनियम लर्निंग के टिप्स हैं जिनको आप यहाँ से फॉलो कीजिए। आप अगर हारमोनियम की टेक्निक्स जानना चाहते हैं थोड़ा तेज़ हाथ चलाने के लिए, है ना, ये झाले की तकनीकें हैं, इसमें सब बता रखा है। हारमोनियम के बारे में जानना चाहते हैं तो हारमोनियम टिप्स आप देख सकते हैं, वो भी आपको इसी में मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप जान गए होंगे कि कैसे सीखना है। ऐसे ही सीखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल से और देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के वीडियोज़ को।